उस बीच आपको न्यूयॉर्क से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना बदस्तूर जारी है। बालेसर ट्रेन हादसे पर बोले राहुल गांधी, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों पर बेवजह आरोप लगाती है बीजेपी, कुछ भी पूछने पर पीछे देखती है। बड़ा बयान दिया है न्यूयॉर्क में, सवाल पूछे तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले क्या किया, कांग्रेस के समय में रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में एक समस्या है, बीजेपी और आरएसएस भविष्य देखने में असमर्थ है। उनसे अगर पूछा जाए कि ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई तो वो कह देंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले क्या किया। कांग्रेस के समय जब रेल दुर्घटना हुआ करती थी तब उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये अंग्रेजों की गलती है इसलिए ऐसा हुआ, बल्कि तत्कालीन रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। बीजेपी एंड द आरएसएस आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। दे आर इनकेपेबल, दे डोंट, दे उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। ए ट्रेन एक्सीडेंट when the Congress party was in power, the Congress party did not get up and say now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said it is my responsibility the train has crashed, I am resigning.